गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट एवरीवन. कैसे हैं आप लोग? लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं ना. शराफत की भाषा सबको समझ में नहीं आती. मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ बहुत प्यार से कहा कि भाई आप लोग नए लोगों के साथ में प्यार से रहें, काइंडनेस दिखाएं, क्योंकि सुसाइड हो जाने के बाद में रोने से अच्छा सुसाइड के पहले माहौल को थोड़ा रेक्टिफाई कर लिया जाए. लेकिन माफिया है, माफिया तो माफिया की चाल चलेगा, उसको तो आदत है. तो उन्होंने 5-6 महाजीनियसेस को बोला कि मेरे खिलाफ इंटरव्यू दें. मैंने तो नाम नहीं लिया था किसी का भी, लेकिन मेरा नाम लिया जा रहा है अभी, और प्रेस रिलीजेस भेजी जा रही हैं टाइम्स ऑफ इंडिया को. अब ये जो 6 महाजीनियसेस हैं, इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो मुझसे बहुत नज़दीकी हैं, और पर्सनल लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर पिछले कई साल से यही बात करते आ रहे हैं मेरे साथ में. अब उनको अलग बोलना पड़ रहा है कुछ. उनमें से एक का भाई है जो अपने ट्विटर पे आज से 1.5 साल पहले, अभी नहीं 1.5 साल पहले, ये लिखता है. कि अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में यूनिटी होती, अगर तो सब सीन ही अलग होता. क्योंकि सच्चाई ये है कि इस समय भारत का एक एक म्यूजिशियन प्रताड़ित है, टॉर्चर्ड है, क्योंकि उसको वो नहीं करने दिया जा रहा जो वो करना चाहता है. ये उसकी लैंग्वेज है, उसके भाई की, सगे भाई की. तो यहीं पे इंसान मार खा जाता है, क्योंकि झूठा आदमी झूठी चाले चलता है. और बात यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया, आप इतने रिस्पेक्टेबल न्यूज़पेपर हैं, अंडरस्टैंड दैट हर मीडिया में एक पेड मीडिया सेक्शन होता है, पर ये जो केस है ये पब्लिसिटी किसी फिल्म की नहीं हो रही है, ये सही गलत की बात हो रही है, ये किसी के फ्यूचर की बात हो रही है. उसमें आप अगर पूरा का पूरा वैसा आर्टिकल डाल देंगे जो उनकी प्रेस रिलीज है, कुछ तो चेंज कीजिए आप. उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहे हैं, ठीक है, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया. आप ये क्यों लिख रहे हैं कि सो सोनू निगम्स टॉल क्लेम्स ऑफ नेपोटिज्म इंडस्ट्री स्टैंड नल एंड वॉइड. आई डोंट थिंक आपने लिखा हुआ ये बात. आप इस तरह के न्यूज़पेपर है नहीं. कोई भी ऑनेस्ट जर्नलिस्ट अपना वर्डिक्ट नहीं दे देगा. मैंने कुछ पॉइंट कहा, उन्होंने कुछ पॉइंट कहा, आपने दोनों पक्ष बता दिए, खत्म बात. वर्डिक्ट आप कैसे दे सकते हैं कि इट स्टैंड्स नल एंड वॉइड 6 लोगों की वजह से, है ना? तो थोड़ा सा चेंजेस आपको करने चाहिए थे लैंग्वेज में, ताकि ये ना आ जाए कि आपको ये पूरा, ये तो पर्दाफाश हो गया कि आपने पूरी प्रेस रिलीज वैसे वैसे डाल दी है. प्रेस रिलीज हम भी जानते हैं, इंडस्ट्री में बहुत पहले से हैं, सबको पता है कि प्रेस रिलीज कैसे लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है, क्या लैंग्वेज होती है. डोंट डू ऑल दीज थिंग्स. और भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू के लायक है. तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, समझा? तू भूल गया वो टाइम जब तू मेरे घर पे आके, भूल गया ना वो, भाई भाई मेरी एल्बम कर दो, भाई दीवाना कर दो, भाई भाई मुझे सारा शी से मिलवा दो, भाई स्मिता ठाकरे से मिलवा दो, भाई बाल ठाकरे से मिलवा दो, भाई अबू सलीम से बचा लो. याद है ना, अबू सलीम से बचा दो, बचा लो मुझे भाई, अबू सलीम गालियां दे रहा है. याद है कि नहीं सब चीजें, है ना? तो मैं तुझे कह रहा हूं, मेरे मुंह मत लगना तू बस. मरीना कंवर याद है ना? मरीना कंवर याद है? वो क्यों बोली, वो क्यों बैकआउट की, ये मुझे नहीं पता, मीडिया को पता है. माफिया इस तरह फंक्शन करता है. उसका वीडियो मेरे पास पड़ा है. अब अगर तूने मेरे से पंगा लिया तो वो वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा, और बहुत धूमधाम से डालूंगा, समझा? मेरे मुंह मत लगना आपकी बात से.